खबर बाराबंकी जनपद से है, जहां दयाबाद के लाल बहादुर शास्त्री इंटर कॉलेज में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि अयोध्या सांसद लल्लू सिंह व विशिष्ट अतिथि दरियाबाद विधायक सतीश चंद्र शर्मा रहे। इस मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत रविवार को विद्यालय परिसर में 44 जोड़ों का विवाह हिंदू रीति रिवाज व वैदिक मंत्रों के बीच संपन्न हुआ, जिसमें सांसद और विधायक द्वारा विवाहित जोड़ों को दैनिक उपयोग की वस्तु भेंट का स्वरूप प्रदान की गई। दरियाबाद विधायक सतीश शर्मा ने कहा कि प्रदेश के सीएम योगी द्वारा प्रदेश में गरीब पिछड़े वर्ग को ऊपर उठाने और महिलाओं लड़कियों की स्थिति को बेहतर करने के लिए सरकार ने सामूहिक विवाह योजना शुरू की। इस योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर सभी परिवारों को लड़की की शादी के लिए आर्थिक मदद दी जाती है। इस मौके पर ईओ शालिनी त्रिपाठी, भाजपा दरियाबाद पूर्वी मंडल अध्यक्ष महेश गुप्ता, कीर्ति सिंह, मुलायम यादव, लवलेश पंडित, विवेक सिंह, मनीष श्रीवास्तव सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। बाराबंकी से मयंक वाजपेयी के साथ राघवेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। वर और कन्या को प्रदान कर रहे हैं। इसी बीच समस्त जन समुदाय को एक गीत के माध्यम से राजा चक्रवर्ती राजा दशरथ ने अपने चारों बेटों का विवाह एक साथ किया था। वो गरीब नहीं थे, अवध के महाराज। सभी को एक परम पूज्य गुरुदेव परमंदनीय माता जी, अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक वेद माता गायत्री की ओर एक आदर्श सामूहिक विवाह की परंपरा को फिर से चालू करने का काम किया। हम सबको ध्यान होगा, जब प्रभु श्री राम जनकपुर में सीता जी के साथ उनका विवाह हो रहा था, उसी समय उनके तीनों और भाइयों का भी विवाह था, और अयोध्या से जितने लोग गए थे जो विवाह योग्य थे उन सब का विवाह जनकपुर में हुआ था, या वही परंपरा है। हम सब उसी परंपरा के अनुयायी हैं। आज के इस विवाह समारोह में हम अपनी तरफ से सभी वर और कन्या को आशीर्वाद देते हुए ईश्वर से कामना करते हैं कि इनका दाम्पत्य जीवन सुख बलिकोडर पूरे नगर और नगर पंचायतों के जो यहाँ पर जोड़े आए हुए हैं, मैं उनके भावी जीवन के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आप सबका मंगल कामनाएं देते हुए आप सबका जोड़ा सदैव सदैव आप सबकी मनोकामना पूर्ण हो। आप सबका भरपूर जो आप ईश्वर से चाहें वो आप सब प्राप्त करें, ऐसी आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ और धन्यवाद और आभार ज्ञापित करना चाहता हूँ प्रदेश के मुखिया पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, जिनके निर्देशन में आज उत्तर प्रदेश की लगभग 1.5 लाख पहले मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से आज उनका विवाह आज संपन्न हो रहा है। आज पूरे जनपद के कोने कोने ही नहीं, प्रदेश के विभिन्न ग्रामीण अंचलों में, नगर अंचलों में ये कार्यक्रम लगातार आयोजित किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था कि हम गरीब बेटियों की शादी में 51,000 रुपए की मदद करने का काम करेंगे, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अभिनंदन करना चाहता हूँ। उनको आप सबके माध्यम से, इस क्षेत्र की जनता के माध्यम से उनको अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने गरीब माँ के, गरीब पिता के, उसकी आवाज को जाना, उसके दर्द को पहचानने का काम किया और उनकी शादी को सुंदर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के